जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं एक नवीनतम पेपर कटिंग को लेकर के, जिसमें कि आपको खबर दिख रहा होगा कि बिहार की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित यह खबर है कि बिहार के पंचायतों में 9029 पदों पर होगी भर्ती। ये किन पदों पर होगी और भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती का नेचर क्या होगा, एज क्राइटेरिया, फॉर्म फी, कब तक फॉर्म आने की संभावना है, तो वगैरह वगैरह चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज विभाग की ओर से ये भर्ती आएगी और ये भर्ती जो होगी वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, कॉन्ट्रैक्ट पर ये बहाली होगी। अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों को बोनस अंक भी मिलेगा, यानी कि सिंपल सा फंडा है कि जब बोनस अंक या अधिकतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन होना है तो यहाँ आपको कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, बस आपको मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, जितनी भी आपके पास डिग्रियाँ हैं उनमें आपके पास क्या मार्क्स हैं, आपको उस मार्क्स बेसिस पर आपको यहाँ चयनित किया जाएगा। तो इसमें कैसे कैसे पद होंगे, कौन कौन से पद होंगे और किस पद की संख्या कितनी होगी वो हम लोग यहाँ देखते हैं, और योग्यता मिनिमम क्या होगा। तो लेखापाल सह आईटी सहायक, लेखापाल सह आईटी सहायक की बात करें तो ये 7000 पद होंगे। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 326 पद होंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के बीपीआरओ जिसको हम लोग कहते हैं, इसके 266 पद होंगे। हालांकि इसके बहुत सारे पद 64वीं बीपीएससी में आपको बीपीएससी के द्वारा भरा गया था, लेकिन अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इस पद को फिर से कर दिया गया है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 266 पद होंगे। ग्राम कचहरी सचिव के 1420 पद होंगे। तो ये चार पद होंगे और इन पदों पर कुल मिलाकर के 9029 वैकेंसियाँ आने वाली है। तो क्या योग्यता वगैरह होगा इसमें, इसको हम लोग डिटेल से इस खबर को देखते हैं। इस सूबे के 8000 से अधिक पंचायतों में 7017 लेखापाल सह आईटी सहायक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा, शीघ्र ही यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो इसमें कोई देर सवेर किए बिना मुझे लगता है कि जून या जुलाई में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा और फॉर्म भी आपसे मांगा जाएगा। 2 महीने में चयन कर लिया जाएगा, यानी कि जुलाई अगस्त तक चयन करके अगस्त सितंबर में आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। लेखापाल सह आईटी सहायक को 20000 वेतन मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम रहेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, बीकॉम है, यानी अगर आपने बीकॉम किया है तभी आप आईटी सहायक के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप आईटी सहायक के लिए नहीं बल्कि अन्य पदों के लिए एलिजिबल होंगे। अन्य पदों की योग्यता की भी हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आईटी सहायक में आपको एमकॉम तथा सीए योग्यता वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता, एमएस वर्ड, एक्सेल और टैली आदि में दक्षता प्राप्त करनी होगी, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो आपको सीखना होगा। इसके लिए राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आगे देखें इस खबर को, तो विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा 326 कार्यपालक सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और 266 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों का भी नियोजन होगा। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर रिटायर कर्मी रखे जाएंगे, यानी कि नए यहां लोगों को नहीं लिया जाएगा, यहां जो रिटायर हो चुके हैं कर्मी उन्हीं को यहां मौका दिया जाएगा। तो पंचायत राज पदाधिकारी के पद को भी आप छोड़ दें, यह भी ओपन के लिए नहीं है, जो रिटायर हैं तो उनके लिए ये है। 1420 ग्राम कचहरी सचिव बनेंगे। मिहिर सिंह ने कहा कि 1420 ग्राम कचहरी सचिवों का नियोजन होगा। नगर पालिका में क्षेत्र सम्मिलित करने के कारण जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है वहां कार्य कर चुके कचहरी सचिवों को नई नियुक्ति में अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। वेटेज का मतलब ये नहीं है कि 100% केवल उन्हीं को लिया जाएगा, हाँ उनको वरीयता जरूर दी जाएगी। अगला है कि 2000 पंचायत भवन का भी निर्माण होना है, और पंचायत भवन का निर्माण होगा तो फिर से हो सकता है कि कुछ नई नियुक्तियाँ देखने को मिले। तो ये खबर आपको बिहार से रिलेटेड था। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है और आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ लेखापाल, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है 7017, इस पद पर आपको चयनित होने के लिए सुनहरा अवसर है। तो आप सभी निश्चित तौर पर जब भी इस फॉर्म का इंतज़ार करते रहेंगे और जब भी आएगा तो आप सभी इसमें फॉर्म फिल करके अपने लक को ज़रूर आजमाएंगे। मिलते हैं फिर ऐसे ही अन्य वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।